अब स्मॉल एवरेज एंड ग्रेट पीपल में डिफरेंसेस क्या है और आप कौन से कैटेगरी में है उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके लिए बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल पीपल कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है जो इस कैटेगरी के अंदर में आता है। ये पॉपुलेशन विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एम अपने जिंदगी को आगे हेड करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, जिनके जिंदगी में कोई करियर ही नहीं है जिसके साथ में वो आगे बढ़ना चाहता है। अब ये लोग अपने जिंदगी में सफलताओं को कभी भी नहीं जोड़ पाते। सफलताएं तब जुड़ती है जब आप कोई टारगेट अपनी तरफ से रखते हैं, कोई आउटकम आप अपनी तरफ से सोचते हैं, लेकिन यहां पे आपने अपनी तरफ से कोई आउटकम के बारे में नहीं सोचा है। तो बहुत बड़े डिफरेंसेस यहां पे आ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सो जो पहला कैटेगरी है, स्मॉल पीपल कैटेगरी, पॉपुलेशन वाइज में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहीं पे गोल्स एंड करियर्स के हिसाब से सबसे कम। सेकेंड जो कैटेगरी है, दैट इज ऑल अबाउट द एवरेज पीपल कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा और कम पॉपुलेशन आता है। ये पॉपुलेशन हमेशा सोच में लगी रहती है कि अपने गोल को किस तरीके से अचीव करना है, गोल के बारे में सोचते रहती है, करियर के बारे में सोचते रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपनी तरफ से इंप्लीमेंटेशन नहीं करती है, एग्जीक्यूशन अपनी तरफ से नहीं करती है, जिसकी वजह से पूरे जिंदगी उसके बारे में सोचती तो रहती है लेकिन एट लास्ट उसे अचीव नहीं कर पाती। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ही ऑफिस के अंदर में एक लेडी थी, वो खाते भी जाती थी और बोलते रहती थी, यार मैं कितनी मोटी हो रही हूँ, कितनी मोटी हो रही हूँ, मेरे को पतला होना, पतला होना, पतला होना है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप उस चीज को चाहते भी हैं लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रह रहे। अब जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रेट पीपल कैटेगरी। ये लोग अपने जिंदगी में एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं। आप इन्हें आज जाकर के एक आइडिया बताएंगे, कल आप इसे देखेंगे उस आइडिया को अपनी तरफ से एग्जीक्यूट करते हुए। यही वो लोग है जो आगे आने वाले समय में बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं, बड़े मैनेजर्स बनते हैं। यही वो लोग है जो बिलियनेयर्स मिलियनेयर्स बनते हैं, बड़े बड़े सेंट्स बनते हैं, मॉन्क्स बनते हैं। ये अपने जिंदगी में एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज्यादा बिलीव रखते हैं, दैट्स वाई वो आज इस जगह पे खड़े हैं जो बहुत ही ज्यादा उनके लिए जरूरी बन जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एज बहुत ही बड़ा फैक्टर है। 0 से 18 ईयर्स ऑफ एज तक आप ज्यादातर समय स्मॉल पीपल कैटेगरी में रहते हैं, बिकॉज आपके जिंदगी में कोई एम नहीं आता है, कोई बड़े फैसले आप अपनी तरफ से नहीं लेते हैं। बहुत ही रेयर लोग रहते हैं जो छोटे एज में ही समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब उसके बाद में जब 18 को आप अपनी तरफ से क्रॉस करते हुए जाते हैं, 24, 25, 26 तक पहुंचते हैं, तब आप एक एवरेज पीपल कैटेगरी में आते हैं। आपके अंदर में कहीं ना कहीं एक ड्रीम चल रहा होता है और उसके बाद में ज्यादातर लोगों को ग्रेट पीपल कैटेगरी में देखा जाए। सो एज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हो सकता है अभी आपको आपकी जिंदगी के गोल या फिर करियर के बारे में पता ना चला, लेकिन कुछ समय बाद में आपको उसके बारे में पता लग जाए। आप स्मॉल से एवरेज में आ जाओ और एवरेज से ग्रेट पीपल कैटेगरी में आ जाओ, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि आप कौन से वाले कैटेगरी में लाइक करते हैं। हो सकता है आपका एज यहां पे एक्सेप्शन हो सकता है, आप 16 साल की उम्र में हो और एक बड़े काम को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़े एग्जीक्यूशन को अपनी तरफ से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। सो समझने का प्रयास करें कि आप कौन से कैटेगरी में लाइक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमेशा फैसला करें कि आगे बढ़ते हुए सेकेंड कैटेगरी में आना है या फिर थर्ड कैटेगरी में आना है। बिकॉज अगर आप अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्मॉल से एवरेज में आए और एवरेज से ग्रेट पीपल कैटेगरी में आए। हमारे देश को बहुत ही ज्यादा जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो ग्रेट पीपल कैटेगरी में आ सके, जो एग्जीक्यूशन करने में बिलीव करे, जो बिजनेसेस ला करके खड़े करे और इंडिया को उस जगह पे लेकर के जाए जहां पे हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैलेबल टाइम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैलेबल टाइम एंड दिस इज व्हाट इज फ्रेमोटेक्स।